ओम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। दमोह जिले के चलबंडा का क्षेत्र में गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां 28 वर्षीय युवक मोनू असाडी पिता मुन्ना असाडी के द्वारा को गोली लगने के बाद दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ ड्यूटी डॉक्टर चक्रेश के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस के द्वारा फिलहाल सबको जिला अस्पताल के सौग्राम में रखवा दिया गया है। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर गोली चली कैसे। बताया जा रहा है कि यह सब्जी विक्रेता है, जो कि जलपुन्नाका में किराए के मकान में रहता था। घर पर अभी अकेला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है कि गोली चली कैसे। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी लगते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उनके द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर जांच की जा रही है। घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। चोपड़ा खुर्द सर, एक मामला सामने आया, क्या घटना? देखिए, चौकी सहायता केंद्र जबलपुर नाका थाना दमोह देहात अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है चोपड़ा खुर्द में एक घर में मोनू असाटी 28 वर्ष लगभग इसकी उम्र होगी, इसकी जो है हमें सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचे तो मौके पर जो है गोली मारकर जो है इनकी आत्महत्या करना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। प्रथम दृष्टया ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन्होंने जो है स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कारित की है। हम इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लेंगे और प्रत्येक पहलू पर जो है वो बारीकी से जांच करेंगे। फिलहाल वर्तमान में परिजनों ने अभी किसी भी प्रकार का कोई शक संदेह नहीं बताया है। परिजनों द्वारा भी मोनू के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है। इसमें जो है मर्ग कायम कर जाँच में लिया जाएगा और जो है प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विवेचना की जाएगी।